नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं जितेंद्र कुमार, आप लोगों का दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज फिर से आप लोगों के साथ हूं एक बहुत ही शानदार केस स्टडी लेकर के, और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी कैसे बनी, कैसे इस कंपनी ने खुद को ब्रांड बनाया, और कैसे इसने अपने ब्रांड की ग्रोथ करी, कैसे इसने मार्केटिंग करी, और क्या इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी कोई बिजनेस करता है तो प्रॉफिट और लॉस तो स्वाभाविक है, बिजनेस में ये सारी चीजें आम बात हैं। लेकिन जब किसी को 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाए तो थोड़ा सा लॉस तो आता है। कंपनी के फाउंडर हैं सिद्धार्थ डोंगरपाल, बात कर रहा हूँ इस नीच की। ये एक फास्ट फैशन ग्रोइंग कंपनी है, जहाँ पर कपड़ों का जो स्टॉक है इतना लिमिटेड होता है कि उनको बहुत जल्दी सेल आउट कर दिया जाता है, और उसके बाद नया डिज़ाइन अवेलेबल करवाया जाता है। दोस्तों अगर आप शार्क टैंक देखते हैं तो आपने देखा होगा, सिद्धार्थ जब शार्क टैंक पर अपनी पिच लेकर के गए थे तो कैसे उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये की फंडिंग उठा ली, और उसके बाद उनकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो सीधे 100 करोड़ हो गई। और शार्क टैंक से आने के बाद सिद्धार्थ को SWC ग्लोबल और अन्य कंपनियों से 110 करोड़ रुपये की फंडिंग और मिल जाती है। तो आज सारी चीज़ों की डिटेल स्टडी करेंगे इस बिजनेस की, कि कंपनी ने किस तरह से ग्रो किया है खुद को। देखिए सिद्धार्थ जो है सबसे पहले काम करते थे B2B में, यानी जो फैक्ट्रियां कच्चा माल बनाती थी कपड़ों का, यानी बहुत बड़े बड़े कपड़ों के रोल बनाती थी, उनसे ये कपड़े खरीदते थे, और जो उन कपड़ों को प्रोड्यूस करके उनके प्रोडक्ट बनाते थे, यानी उनको डिज़ाइन देते थे, शर्ट बनाते थे, पैंट बनाते थे या टी शर्ट, जो भी XYZ, उनको ये सेल आउट कर देते थे। अब इस बीच में जो कमीशन बचता था वो इनका नेट प्रॉफिट होता था। अब दोस्तों हुआ क्या, इस बीच में जब सिद्धार्थ को एक बड़ा ऑर्डर मिला तो उन्होंने फैक्ट्री को ऑर्डर प्लेस कर दिया था, और वो उसका पेमेंट भी कर चुके थे। लेकिन जिस मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर देना था और जहाँ से इनको माल मिलना था, यानी जहाँ से माल तैयार करवा रहे थे, उस फैक्ट्री का ऑडिट आ गया, जिसकी वजह से 20-21 दिन इनका ऑर्डर डिले हो गया, और इनके बायर ने वो ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से इनको 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अब परेशानी ये थी कि ये उस कपड़े को कहाँ पर बेचें। तभी इनका कोई बायर दोस्त मुंबई में रहता था, इन्होंने उसको उस कपड़े का सैंपल भेजा, तो उन्होंने कहा यार मुझे कपड़े की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी लगी है, लेकिन यार मैं कपड़ा तो नहीं खरीदूंगा, अगर तू मुझे इस कपड़े की शर्ट बना करके दे सकता है तो मुझे भेज को सैंपल बना करके। तब इन्होंने 250 से 300 सैंपल अपने फ्रेंड को बना करके वहाँ पर भेजे। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी समस्या क्या थी, इनको शर्ट डिज़ाइन करना नहीं आता था और ना ही सिलना आता था, इनको ये भी नहीं मालूम था कि फैक्ट्रियों में शर्ट किस तरह से बनाई जाती हैं। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, इन्होंने बहुत सारी जो ऐसे मैन्युफैक्चरर थे जो शर्ट बनाते थे वो फैक्ट्रियां विजिट करी, और इन्होंने देखा किस तरह से शर्ट को डिज़ाइन किया जा रहा है, किस तरह से सिला जा रहा है, और किस तरह से सारी चीज़ें करी जा रही हैं। उसके बाद इन्होंने अपने सैंपल्स रेडी करवाए और उन्होंने फ्रेंड को भेजे। विद इन अ वीक इनका जो सैंपल स्लॉट था वो सारे का सारा ख़त्म हो गया। इनके दोस्त ने कहा कि जितना भी कपड़ा तेरे पास बचा है बाकी की सारी शर्ट मुझे बना करके दे दे, मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूँ। अब दिक्कत ये थी कि इतना बड़ा ऑर्डर एक आदमी कैसे पूरा करेगा, तो इनको ज़रूरत थी एक किसी छोटी सी फैक्ट्री की। तब इन्होंने एक फैक्ट्री को लीज पर लिया और सारा ऑर्डर को इन्होंने प्रोड्यूस किया। तब इनको जो प्रॉफिट हुआ वो 6 लाख रुपये का था। दोस्तों एक बात तो इनको इस बीच में समझ में आ गई कि यार रॉ मटेरियल बेचने में वो प्रॉफिट नहीं है जो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बना करके बेचने में है। तो तब इन्होंने क्या करा, अपने ही लिए शर्ट बनाई और दूसरे रिटेलर्स को इन्होंने बेचना शुरू कर दिया, बहुत सारे मतलब B2B में इन्होंने सेल करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपना एक वेयर हाउस बनाया जहां पर अपनी शॉप बनाई, और इन्होंने अपने कस्टमर को वो बेचना शुरू कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ भी समझ में आ रही थी, अगर मैं ये माल सीधा अगर कस्टमर को बेचना शुरू कर दूं तो मैं अपने रेट पर बेचूंगा और ज़्यादा मार्जिन भी कमा पाऊंगा। और तब इन्होंने अपने आउटलेट्स बनाए और कस्टमर को डायरेक्टली शर्ट बेचना शुरू कर दिया, और कस्टमर को इनके शर्ट ही इतने पसंद आ रहे थे कि पहले ही साल में इनकी जो सेल थी वो 11 करोड़ रुपए क्रॉस कर गई। अब यहाँ पर इनके सेल का जो चार्ट है कुछ हम इस ग्राफ के थ्रू हम समझ सकते हैं। 2011 में इनकी जो सेल थी वो 11 करोड़ रुपए थी, 2022 में इनकी जो सेल थी वो 44 करोड़ रुपए थी, 2023 में इनकी जो सेल थी वो 110 करोड़ रुपए थी। अब इनका थोड़ा सा प्रॉफिट और लॉस भी हम समझ लेते हैं कि कितना ये कमा रहे हैं। इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 55% है, मार्केटिंग पे इनका जो खर्चा आता है वो 25% आता है,
उसके बाद जो इनका खर्चा आता है वो शिपिंग कॉस्ट पर आता है जो कि लगभग 8% के आसपास रहता है, और उसके बाद जो ऑपरेशन में खर्चे आते हैं वो 10% के आसपास रहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से कुछ ये काम कर रहे हैं और ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कंपनी है और इसी की वजह से ये फास्ट फैशन ग्रोइंग इंडस्ट्री भी बन गई। स्निच एक ऐसा ब्रांड बन गया जहां पर लोगों को हर रोज नए डिज़ाइन देखने को मिलते हैं और नए कपड़े पहनने को मिलते हैं। अगर हम इनके ओवरऑल ग्रोथ की अगर बात करें तो ये हर साल 150% का ग्रोथ कर रहे हैं और 2024 में इनकी जो वैल्यूएशन थी यानी कि जो टोटल रेवेन्यू था वो 550 करोड़ रुपए से ज़्यादा का था। फ्रेंड्स अभी बात यहाँ पर आकर के नहीं ख़त्म हो रही है कि 550 करोड़ हो गए, ये हो गया वो किया, लेकिन इनकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी अपने प्रोडक्ट को सेल करने में। इनको दुकान लेनी पड़ रही थी, वेयर हाउस बनाना पड़ रहा था, अपना शोरूम आउटलेट ये सारी चीज़ें करना पड़ रहा था। तभी इनके दिमाग में आया जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में इनकी सेल कम हो गई, बंदी हो गए थे सब कुछ लॉकडाउन में, तो तभी इनको समझ में आया मुझे कुछ ऑनलाइन करना चाहिए। तो इन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई और इनकी वेबसाइट देखें तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ब्लैक एंड वाइट इनकी वेबसाइट की थीम है, लेकिन अगर ध्यान दें तो ध्यान देने वाली बात यह है इनकी जो पिक्चर्स हैं वेबसाइट के ऊपर उसमें जो मॉडल्स हैं वो रियल हैं और ये सारे फॉरेनर हैं। इन्होंने फोटोग्राफी के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया है जिसकी वजह से इनकी सेल आसमान छूने लगी। और वेबसाइट पर इन्होंने अपनी मार्केटिंग की शुरू करी थी एक सिंपल से फेसबुक एड से, जिसकी वजह से इनके पास वेबसाइट पर ट्रैफिक आता था और इनकी सेल जनरेट होती थी, लेकिन वहाँ पर भी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा इनको पड़ रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके वो इन्होंने रिड्यूस करी और इनको और ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। एक बात तो बिल्कुल सच है, किसी भी कंपनी का जो रेवेन्यू चार्ट होता है, ग्रोथ चार्ट होता है, वो डिपेंड करता है उस कंपनी के सेल्स प्रेजेंटेशन पर। आपका जो प्रेजेंटेशन है वो कितना अट्रैक्टिव है, जितना आपका प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव होगा उतनी ही आपका सेल्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दोस्तों इसके बाद जब इनकी वेबसाइट बूस्ट करने लगी, बहुत ज़्यादा इनकी सेल्स आने लगी, तब इनको लगा नहीं अब मुझे जो है ना ऐप का भी यूज़ करना चाहिए। तो इन्होंने अपना ऐप रिलीज़ किया प्ले स्टोर पर और iOS पर, वहाँ से इनको जो सेल्स आनी शुरू हुई है उसका तो इन अंदाज़ा भी नहीं था। अब इनके ऐप से जो सेल्स आती है वो ओवरऑल सेल्स का 55% ऐप से आता है। अभी हाल ही में जब ये शार्क टैंक पे गए थे उससे कुछ 2-3 महीने पहले ही ये मार्केट प्लेस पर भी अवेलेबल हुए, जहाँ से इनकी सेल्स भी आना शुरू हो गई है। तो इनको लगा कि अब मेरी जो सेल्स है वो बिल्कुल सही आ रही है, अब मुझे जाना चाहिए शार्क टैंक पर, और ये शार्क टैंक पर अपनी पिच करने गए। और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वहाँ से 1.5 करोड़ रुपए की फंडिंग उठा करके लेकर आए थे, उसके बाद इनकी जो वैल्यूएशन थी 100 करोड़ रुपए हो गई थी, जिसकी वजह से इनको एक बहुत बड़ा बूम मिला और इनकी सेल इतनी हाइप मिल गई इनकी सेल्स को कि इनको भी उतना अंदाज़ा नहीं था। इनके ऐप के यूज़र्स बढ़ गए, इनके वेबसाइट पर विजिटर बढ़ गए और ऐप से इन्हें फ़ायदा जो हुआ तो वो इनकी फ्री मार्केटिंग होने लगी, फ्री में पुश नोटिफिकेशंस जाने लगे, कस्टमर के साथ डे नाइट ये कनेक्ट रहने लगे और उसी डेटाबेस को यूज़ करके सोशल मीडिया पर जो मार्केटिंग कर रहे थे उसकी भी कॉस्ट इन्होंने बहुत कम कर ली। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी बिज़नेस में सक्सेस होना है तो स्निच से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो अपनी मार्केटिंग कॉस्ट को आपको कम करना पड़ेगा और आपके सेल्स रेवेन्यू को आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपनी ऑपरेशन की कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, आपको अपनी डिलीवरी कॉस्ट भी कम करनी पड़ेगी। ये आप कैसे कर सकते हैं, अपनी पैकेजिंग और आपकी प्रेजेंटेशन को अच्छा करके आप कर सकते हैं। दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ स्निच की स्टोरी अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को अगर शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ करके जाइए, एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर करके जाइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी एक अच्छी केस स्टडी या बिज़नेस आइडिया या सेल्स ट्रेनिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।